अउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस, मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, फेसबुक पेज का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने ये रिक्वेस्ट पहले कभी भी नहीं की, मैं अपनी वीडियो में फर्स्ट टाइम कहने लगा हूँ कि आप मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे भी हौसला मिलेगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब मैं जाकर देखता हूँ जो व्यूअर्स हैं, हमें 20% सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, 80% अनसब्सक्राइबर्स देख रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें चैनल, ताकि हमें पता लग सके कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमें पसंद कर रहे हैं और हम तक उनको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनको पसंद आ रही है। वीडियो लाइक भी करना ना भूलिएगा। आज का टॉपिक एक ब्रेकिंग न्यूज़, एक गुड न्यूज़ कह लें, इंडिया के लिए है, पाकिस्तानियों के लिए है, पाकिस्तानियों के लिए किस तरह है और इंडियंस के लिए किस तरह है, मैं बताऊंगा आपको आगे चल के। जो आज की वीडियो है वो है यूके रेड लिस्ट के मुताबिक। आज है 5 अगस्त, यानी 5 अगस्त पाकिस्तानी वक्त मुताबिक सुबह 4 बजे और यूके के वक्त मुताबिक रात 12 बजे लिस्ट अपडेट की गई है। उस लिस्ट में जो अपडेट किया गया है, काफ़ी कंट्रीज़ को आगे पीछे किया गया है। मैं आपको बताऊंगा किस कंट्री को क्या किया गया है, पाकिस्तानी के लिए क्या गुड न्यूज़ है और इंडियंस के लिए क्या गुड न्यूज़ है, मैं आपको सब कुछ बताना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं इससे पहले आपको इस बात में आपको आगे भी बताऊंगा आगे चल के, कि अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट या यूके ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ग्रीन पासपोर्ट आपका टूरिस्ट वीज़ा, तो आपको किस तरह ट्रैवल करने की परमिशन होगी, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में आगे चल के। ज़्यादा आप लोगों में सस्पेंस क्रिएट नहीं करूँगा, मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से नहीं निकाला गया। क्लियर बात है, नहीं निकाला गया, लेकिन इंडिया को रेड लिस्ट से निकाल दिया गया है 8 अगस्त सुबह 4 बजे, यानी इंडिया इंग्लैंड के मुताबिक रात को 12 बजे और पाकिस्तानी वक्त मुताबिक सुबह 4 बजे इंडिया 8 अगस्त को रेड लिस्ट से निकल जाएगा। ये ऑफिशियल न्यूज़ उन्होंने ब्रेक कर दी है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर दी है, इंडियंस के लिए अच्छी। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान को निकालने का जो टाइम है वो सितंबर का एंड है या दिसंबर का एंड है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नुमाया हुई है कि जो कोविड की रेशो थी वो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा कम थी निस्बतन इंडिया, क्योंकि इंडिया में डेल्टा वायरस आया था जो पाकिस्तान में आया, उसके असरात दिखा रहा है। अल्लाह अपने सबको अपने मान में रखे, महफूज रखे, लेकिन इंडिया की रेशो बहुत हाई थी, लेकिन इंडिया को फिर भी रेड लिस्ट से निकाल दिया गया है। लेकिन अब ये भी उम्मीद की जा रही है कि प्रेशराइज़ की वजह से या पोलिंग की वजह से पाकिस्तान को भी शायद रेड लिस्ट से बहुत जल्द निकाल दिया जाए, लेकिन अभी तक निकाला नहीं गया। उम्मीद है कि जो नेक्स्ट इनकी लिस्ट अपडेट होगी या फिर उससे अगली अपडेट होगी, एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगस्त का महीना पाकिस्तानियों के लिए यूके ट्रैवल करने के लिए बहुत मुफीद साबित हो। पर एट दैट टाइम जो लोग यूके ट्रैवल करना चाह रहे हैं और उनके पास यूके का वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा है और वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो उनको किस तरह ट्रैवल करना पड़ेगा, उनको ट्रैवल करने का तरीकाकार ये होगा कि उन्होंने जो उनका स्पॉन्सर है डॉक्यूमेंट्स का वहाँ पर यूके से, वो होम ऑफिस को एक एप्लीकेशन लिखेगा, एप्लीकेशन से उनसे परमिशन लेगा कि ये फ़लाँ नाम का पासपोर्ट नंबर, फ़लाँ नाम का बंदा है मेरा, ये रिश्तेदार है, चाचा है, मामा, फूफी, बहन, जो भी उसका रिश्तेदार है, जो यूके ट्रैवल करना चाह रहा है, इसकी यह वजह है, तो उसको स्पेशल परमिशन दी जाए। स्पेशल परमिशन लेटर आपको पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे शो करना पड़ेगा, उसके बाद आप ट्रैवल कर सकेंगे। इसके अलावा आपको ट्रैवल करने के पाकिस्तान टूरिस्ट वीज़े पे 6 मंथ्स, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स या 10 ईयर्स के वीज़े पे परमिशन करने आपको ट्रैवल करने की परमिशन नहीं होगी, ये बात क्लियर है, जब तक आपके पास रिक्वेस्ट स्पेशल परमिशन लेटर नहीं होगा यूके होम ऑफिस की तरफ से। तो ये था यूके परमिशन लेटर। और जहाँ तक बात है रेड लिस्ट की, रेड लिस्ट की अनाउंसमेंट हो चुकी है, पाकिस्तान को रेड लिस्ट से नहीं निकाला, इंडिया को रेड लिस्ट से निकाल दिया गया है। इंडियंस के लिए अच्छी न्यूज़ है, बाकी उम्मीद करते हैं कि हम लोग भी इसको मतलब समझें कि अजीब से एक न्यूज़ देखा जाए तो, क्योंकि जो इंडिया की रेशो थी निस्बतन बहुत ज़्यादा थी पाकिस्तान से, पाकिस्तान की वीज़ा जो रेशो थी वायरस की बहुत कम थी, लेकिन उम्मीद ये भी की जा रही है कि पाकिस्तान को भी रेड लिस्ट से बहुत जल्द निकाल दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। जैसे रेड लिस्ट से निकलेगा तो पाकिस्तान अपने वीज़ा अप्लाई करेंगे। अब यहाँ सवाल आता है कि हम अगर वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आइडियल टाइम क्या है, यही आइडियल टाइम है। अगर आप यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे वो इंडियंस हैं, चाहे पाकिस्तानी हैं, चाहे वो जो भी हैं, तो वो अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा बेहतरीन टाइम है। उसकी वजह यह है कि इंडिया जिस तरह रेड लिस्ट से निकल के पाकिस्तान बहुत रेड लिस्ट से निकल जाएगा, आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मैंने जैसे कहा था कि ज़्यादातर वो अपने आप को रेड लिस्ट में बाउंड नहीं रख सकते, क्योंकि उनकी सोर्स ऑफ इनकम है जो यूके वालों की जो इमिग्रेशन से ही होती है, क्योंकि इमिग्रेशन का वीज़ा अप्लाई होंगे। इस वक्त देखा जो एक सर्वे आया है 30% लोग अप्लाई कर रहे हैं, 70% लोग अप्लाई नहीं कर रहे जो एक नॉर्मल रूटीन में अप्लाई करते हैं, यानी 70% उनका जो एक सोर्स ऑफ इनकम है जो इमिग्रेशन से होता है वो भी डिस्टर्ब हुआ है। रेड लिस्ट से निकालने की शायद वजह ये भी हो सकती है कि जो एक हैवी उनकी एक अमाउंट है, वो जो इनकम है उनकी, वो भी दोबारा से स्टार्ट हो सकती है। पाकिस्तान को भी बहुत जल्द निकाल, उम्मीद करें कि अल्लाह ताला सब कुछ बेहतर करे। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, ये थी आज की न्यूज़, उम्मीद करता हूँ पसंद आगी।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना लास्ट बोलें। अगर आप मुझसे कोई सर्विस करना चाह रहे हैं, हमारे स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट से हमारे ऑफिस विजिट करना चाह रहे हैं, या फिर आप पाकिस्तान के किसी भी कोने से कोई ऑनलाइन सर्विस लेना चाह रहे हैं, तो हमारा टेलीफोन नंबर नोट करते चलें। टेलीफोन नंबर है 0347-0505-236। ऑफिस का एड्रेस है सेकंड फ्लोर सोपा प्लाजा चकसवारी आज़ाद कश्मीर नियर टू गवर्नमेंट बेकरी मेन बाज़ार चकसवारी। बहुत शुक्रिया, दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ।